मधुमक्खियां हनी यानी कि शहद कैसे बनाती हैं, आइए ना जानते हैं। तो भैया सबसे पहले वर्कर हनी भी फूलों का रस चूसती हैं और उसे अपने पेड़ में जमा करके अपने छत्ते में चली जाती हैं और वहां वो दूसरी यानी कि प्रोसेसर हनी भी के मुंह में इस रस को डाल देती हैं। उसके बाद उस मधुमक्खी के पेट में बनना शुरू होता है शहद और वो इस आधे बने शहद को दूसरे मधुमक्खी के मुंह में डालता है जहां आगे काम उसके पेट में होता है, फिर तीसरा और कुछ समय तक ऐसा चलता है। उसके बाद ये शहद काफी हद तक जब बन जाता है तब वो उसे बाहर निकाल देती हैं और उसके अंदर काफी ज्यादा मात्रा होता है पानी का, इसीलिए बहुत सारी मधुमक्खियां एक साथ मिलकर के पंखा करती हैं अपने पंखों से, जिस कारण से पानी भाप बन के उड़ जाता है और हमारे पास बच जाता है प्योर शहद। और उसके बाद भालू या इंसान आते हैं और इनका घर उजाड़ करके इनसे शहद चुरा करके भाग जाते हैं। वैसे अगर आपको शहद का स्वाद पसंद है तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए।